हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रद्युम्न मिश्रा फ्रॉम एनसीईआरटी शिक्षक। मैथ्स चैप्टर वन के हम लोग नोट्स पढ़ चुके हैं, मतलब इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं उसका। और अब चलिए शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर वन, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर वन। इसमें क्या है, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। इसमें हमको सही एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी यूज करके हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता देना चाहूंगा कि जब भी मल्टीप्लाई होता है तो वो एक ही टर्म माना जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, एक ही टर्म माना जाएगा मतलब क्या हुआ, ये पूरा एक टर्म है क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई आपको पता है, ये पूरा एक टर्म है और ये पूरा एक टर्म है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। जब भी मल्टीप्लाई होता है तो उसको पूरा एक टर्म ही माना जाता है। अब हम आगे देखते हैं, तो सबसे पहले हमको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, पहले टर्म में और लास्ट टर्म में दोनों में 3/5 आपको कॉमन मिल रहा है, 3/5 है, तो इसीलिए हम दोनों को पास में लिख लेंगे, तो इससे हमारा क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। चलिए दोनों को पास में लिखने का मतलब क्या हुआ देखते हैं। इक्वल्स टू -2/3 इंटू 3/5 और ये यहाँ पे -3/5 इंटू 1/6, बाद में बचा क्या +5/10, क्योंकि हमने क्या बताया, तो ये दोनों ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, तो ये पूरा एक टर्म उतार दी ये, और ये पास में क्यों उतार दी, क्योंकि यहाँ पे 3/5 है, 3/5 हम कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए, हमने जब वो पास में लिखा मतलब हमने यहाँ पर ऑर्डर चेंज कर दिया इसका, पहले जो ऑर्डर था हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, तो यहाँ पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी, यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी लगा दी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने यहां पर यूज कर ली, क्योंकि हमने ऑर्डर चेंज कर दिया है। इतना समझ में आया आपको, अब हम आगे देखते हैं। फिर अब हम क्या करेंगे, वही बात की हमने जब बोला था कि हमें यहां पर कॉमन मिल रहा है, तो जब -3/5 हमें कॉमन मिल रहा है तो चलिए हम इसको कॉमन ले लेते हैं, 3/5 यहां पर भी है, 3/5 यहां पर भी है, तो हमने 3/5 कॉमन ले लिया। और हमने देखा माइनस का साइन यहां पर है माइनस, तो हम ये बाहर ही माइनस का साइन लगा लेते हैं, अंदर जो भी होंगे ब्रैकेट खुलने पे वो अपने आप ही माइनस बन जाएंगे, तो यहाँ पे हम अंदर इसको 2/3 +1/6, समझ गए ना कि प्लस का साइन अंदर क्यों लाए, क्योंकि हमने जब एक ये देखिए 3/5 यहाँ पर ये एक टर्म है, मतलब ये माइनस लगा यहाँ पर मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस आ जाना है, ये एक टर्म है मतलब मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस आ जाना है, तो हमने 3/5 माइनस का बाहर ले लिया, और जब ये बाहर माइनस लगा हुआ है तो ब्रैकेट खुलने पे वैसे भी, तो इसीलिए अंदर 2/3 +1/6 हमने लिख लिया, यहां पर बचा +5/2। इतना समझ में आया। चलिए अब हमें एक चीज यहां पर दिखाई दे रही है, कौन सी, हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि अगर डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होती है, अगर a इंटू बी प्लस सी लिखा होता है तो इसका मतलब क्या होता है, ए बी प्लस ए सी, यहां पर भी हम तो कुछ दिख रहा है ना, a इंटू बी प्लस सी, ए बी प्लस ए सी, तो हम यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो यहां पर हमें दिख रही है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, हम इसको आसान करने के लिए एक काम ये कर लेते हैं, पहले अंदर, वैसे तो वो दोनों काम कर सकते हैं, पहले अंदर का सॉल्व कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉपर्टी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लग रही है वो हमें दिख रहा है, लेकिन हम चलिए अंदर का सॉल्व कर लेते हैं, बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे, और आप चाहें तो सीधे ये प्लस ये 3/5 × 2/3 प्लस, ठीक है। चलिए पहले हम अंदर का सॉल्व कर लेते हैं, तो देखते हैं यहां पर क्या आएगा, -3/5 3 और 6 का अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, हम लेकर दिखा देते हैं आपको यहां पर। अच्छा चलिए, 3 और 6 का अगर हम यहां पे एलसीएम लेंगे, पहले ये 2 से हो रहा है, 2 3 6, 3 1 3 3 1 3, मतलब हमको क्या मिल जाएगा, 2 3 6 अपॉन में हमको 6 मिल जाएगा, तो चलिए अपॉन में हम लिख लेते हैं 6। अब देखिए अपॉन में 6 है, 3 की टेबल में 6 कितने टाइम्स में आएगा, 3 2 6, तो 2 को भी
टू से मल्टीप्लाई करेंगे टू टू जा फोर, सिक्स की टेबल में सिक्स कितने टाइम्स में आएगा, सिक्स वन जा सिक्स, तो वन को भी वन से करेंगे, ठीक है, और ये बाहर हम प्लस फाइव अपॉन टू एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना है, हम देख रहे हैं कि ये हमारा क्या बन जाएगा, माइनस थ्री अपॉन फाइव और अंदर फोर प्लस वन फाइव अपॉन सिक्स प्लस फाइव अपॉन टू। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर हमें साफ साफ दिख रहा है कि अगर हम ये मल्टीप्लाई में हम डिवाइड करना चाहें आसानी से कर सकते हैं। कैसे डिवाइड कर सकते हैं, ये देखिए, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, फाइव वन जा फाइव, फाइव वन जा फाइव, ये हमारा यहाँ पे कट गया ना, तो और ये बाहर क्या बचा, प्लस का फाइव अपॉन टू। तो अब हम इसको नेक्स्ट यहाँ पर कैरी ऑन करते हैं, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस वन अपॉन टू, माइनस वन अपॉन टू प्लस फाइव अपॉन टू, इसको हम यहाँ पे कैरी ऑन कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं, नहीं यहाँ पे कैरी कर लेते हैं, माइनस वन अपॉन टू प्लस फाइव अपॉन टू। इतना समझ में आया आपको, यहां से हम इसको यहाँ पर आगे पहुंच गए हैं, प्लस फाइव अपॉन टू। इसके बाद में हम क्या करेंगे, हमको इसका यहाँ पर साफ साफ हम देख रहे हैं डिनोमिनेटर हमको सेम मिल रहा है, तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो फिर हमको कोई एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, सीधे यहाँ पे लिख देंगे। और ऊपर हमारा कितना है, ऊपर है हमारा माइनस वन प्लस फाइव। अब जब माइनस वन प्लस फाइव है, इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस करेंगे, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, साइन प्लस वाला बड़ा है तो प्लस का ही साइन लगा रहेगा यहाँ पर, फोर अपॉन टू। और हम देखते हैं इसको और सिंपल, इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर जाएंगे, टू टू जा फोर, तो हमारा आंसर क्या मिल गया, टू। ये बात आपकी समझ में आई, चलिए अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर वन के पार्ट टू पर। तो मैंने बताया था कि मल्टीप्लाई एक टर्म होता है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, कितने टर्म्स हैं यहाँ पर, तीन टर्म्स हैं। अब हम देखेंगे किसी टर्म में मुझे कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, बिल्कुल मिल रहा है, ये 2.5 और लास्ट टर्म में 2.5, तो चलिए यहाँ पर ऑर्डर चेंज करते हैं, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाकर ऑर्डर चेंज करते हैं इनका, 2.5 × −3/7, फिर कितना है, प्लस 1/14 × 2/5, और बचा हुआ कितना है हमारा, −1/6 − −1/6 × 3/2। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, कॉम्यूटेटिव, क्योंकि हमने यहां पर इसका ऑर्डर चेंज किया है। ठीक है, अब हम आगे क्या करेंगे, अब देखते हैं ये जो है हमारा 2/5, इसको हमने यहां पर लिख लिया, क्यों लिखा आप समझ गए होंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, कॉमन लिया था, कॉमन मिल रहा है ना यहां पर, तो हमने 2/5 को लिख लिया। अब हमारा बचा कितना है, −3/7 + 1/14, ठीक है, 2/5 को हमने ले लिया कॉमन। अब कितना बचा, −1/6 − −1/6 × 3/2। अब यहां पर आपको दिख गया होगा कौन सी प्रॉपर्टी लगने वाली है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि हमने क्या देखा था कि a × b + c = ab + ac, तो हम यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही है, तो हम लिख सकते हैं यहां पर, तो यहां पर हमको दिख गया, यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही है, a × b + c = ab + ac, लिख देते हैं यहां पर। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं, जैसे पहले क्वेश्चन में किया था, मैंने पहले अंदर का सॉल्व कर लिया था, तो उससे थोड़ा सा इजी रहता है, तो चलिए पहले अंदर का सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 14 है, तो अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो हमारा 14 ही हमको नीचे मिलेगा। आप तो यहाँ पर हम जब इसका एलसीएम लेंगे 7 और 14 का, तो हमको अपॉन में 14 ही मिलेगा। अब 14 आया है, 7 की टेबल में 14 कितने टाइम्स में आता है, 7 × 2 = 14, ठीक है, 7 की टेबल में 14 टू टाइम्स है, 7 × 2 = 14, तो 3 × 2 = 6, माइनस का साइन था, माइनस लगा दिया। 14 की टेबल 14 कितने टाइम्स में आता है, 1 टाइम में, तो फिर 14 1 = 14, तो फिर 1 को भी 1 टाइम्स ही पढ़ेंगे, 1 1 =
वन प्लस का था तो हमने प्लस का लिख दिया, और आगे सेम वही जो बचा हुआ था माइनस वन अपॉन सिक्स इंटू थ्री अपॉन टू। अब आपको दिख रहा होगा अब हम आगे क्या करेंगे, ये माइनस सिक्स है ये प्लस है तो इसको हम लिख देते हैं टू अपॉन फाइव, ये कितना बचेगा हमारा माइनस का फाइव, क्योंकि साइन माइनस वाला बड़ा है, माइनस का फाइव अपॉन फोर्टीन माइनस वन अपॉन सिक्स इंटू थ्री अपॉन टू। ठीक है, चलिए अब हम यहां पर देख रहे हैं कि हम डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो बिल्कुल डिवाइड करेंगे, हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। टू वन जा टू, टू सेवन जा फोर्टीन, फाइव वन जा फाइव, फाइव वन जा फाइव, इसको फाइव से हमने काट दिया। ठीक है, तो हमको आंसर क्या मिलता है, माइनस का था, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। हमको चलिए यहां पर लिख देते हैं, हमको मिलेगा आंसर माइनस में मिलेगा, यहां पे लाइन खींच देते हैं, माइनस वन अपॉन सेवन, माइनस वन अपॉन सेवन, फिर वही जो बचा हुआ था माइनस वन अपॉन सिक्स इंटू थ्री अपॉन टू। इतने में कोई प्रॉब्लम है, देखिए क्लियर है इतना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, यहां पर हम देख रहे हैं ये मल्टीप्लाई में है तो अगर डिवीजन हो रहा है तो बिल्कुल कर देंगे, इसको डिवाइड हो रहा है ना यहाँ पे, थ्री टू जा सिक्स, थ्री वन जा थ्री, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इतने में आपको। ठीक है, तो अब मालूम है आपको कि इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे टू टू जा फोर तो इज इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन सेवन, माइनस का साइन है माइनस लगा देते हैं यहाँ पे, और माइनस वन अपॉन फोर। ठीक है, माइनस वन अपॉन सेवन और माइनस वन अपॉन फोर। अब हमको इसका फिर से हमको एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेंगे तो हमारा यहाँ पर नीचे हमको अपॉन में मिल जाएगा 28, अपॉन में 28 मिल जाएगा, और फिर 7 की टेबल में 28 कितने टाइम्स में आता है, 7 फोर जा 28, तो 1 को भी 4 टाइम्स पढ़ेंगे, 1 फोर जा माइनस का साइन है माइनस लगा देंगे, माइनस 4, 4 की टेबल में 28 कितने टाइम्स में आता है, 4 7 जा 28, तो 1 की भी टेबल हम कितने टाइम्स, 7 टाइम्स पढ़ेंगे, माइनस का साइन है माइनस लगा देंगे, माइनस फोर माइनस सेवन इज इक्वल टू 28 अपॉन 28। अब देखिए माइनस का ये भी माइनस प्लस करेंगे लेकिन सिंबल कौन सा रहेगा, माइनस का रहेगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 11 अपॉन 28, हमारा आंसर आ गया माइनस 11 अपॉन 28। ये आपको समझ में आया, चलिए तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, कोई बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको फिर से समझा दूंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू।